तो फाइनली गाइस आ चुके हैं भाई थालावती बीजे के एलियो के रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस बुकिंग के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो भाई एडवांस कुछ इस तरह का चल रहा है कि मतलब जो शोज है, एक होता है ना कि भाई कोई हिंदी पिक्चर ऐसी है उसके लिए ग्रीन स्टार्टिंग से ग्रीन होते हैं भाई बुक माय शो में, एंड बाद में ऑरेंज हो जाए तो यार ये बड़ी बात होती है। और यहाँ पे सीन पता क्या है, मतलब जैसे ही यहाँ पे एडवांस ओपन हो रहा है तो यार होते ही ऑरेंज, और ऑरेंज ऐसा लग रहा है कि मतलब स्टार्टिंग से ही भाई बुक माय शो में ऑरेंज था, बस एडवांस ओपन करो और उसको ब्लैक करना है, ये काम है गाइस अभी चल रहा है। और टिकट मिलना यार काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल हो गया पहले दिन के लिए। यार बीजे भाई कुछ तो भाई छोड़ दो, यहाँ पे थिएटर का काम चालू करो भाई, कुछ और थिएटर बनवाओ यार, यहाँ पे थिएटर की कमी है, शोज की कमी है भाई यहाँ पे लियो के लिए। और साथ में गाइस एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, इसको आप गुड न्यूज़ बोलो या फिर बैड न्यूज़, ये तो गाइस हमें कल ही पता चलेगा कि जो तमिलनाडु में मिड नाइट शोज बोलो या फिर अर्ली मॉर्निंग शोज बोलो, तो जो सुबह के शोज थे गाइस यहाँ पे सरकार द्वारा गवर्नमेंट द्वारा गाइस परमिशन नहीं दी गई थी तमिलनाडु में, जो गाइस जो मेकर्स हैं जो टीम है कोर्ट तक गई थी, और उसका गाइस कल फैसला आएगा कि क्या सुबह के शोज दिए जाएंगे, डिसाइड करेंगे। बस वेट करो कि ये गुड न्यूज़ आएगी या फिर बैड न्यूज़ आएगी, ये टुमारो को गाइस हमें पता चलेगा, ठीक है। बाकी बेंगलोर में सुबह 4 वाले शोज में ना सबको दिखाए दे भाई, फिलिप फास्ट एंड टोटली हाउसफुल है गाइस बोल चुके हैं। तो गाइस बढ़ते हैं नंबर्स की ओर, कहाँ पे कितना फिलिप फास्ट एंड हाउसफुल शोज है गाइस वो चल रहे हैं। उससे पहले डायरेक्टली सिटी वाइज नज़र डालते हैं। सबसे पहले चेन्नई में 253 शोज हैं चेन्नई के अंदर, जिसमें से 222 शोज है गाइस वो टोटली फुल हो चुके हैं। जी हाँ गाइस 222 शो टोटली फुल चुके हैं और 86% के आसपास ऑक्यूपेंसी आ रही है। मैंने भाई ऑलरेडी आप सभी को बता दिया कि पहले दिन चेन्नई के अंदर 95-100 के आसपास ऑक्यूपेंसी गाइस वो रहने वाली है, वो भी सिर्फ एडवांस में ही जाएगी ये। और पहले दिन कोई सोच रहा है कि भाई पहले दिन उसी दिन टिकट बुक करवाएंगे भाई चेन्नई के अंदर, भाई पहले मतलब सुबह कराएंगे शाम को मूवी देखने जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो भाई तो फिर छोड़ दो, फिर कोई 3-4 दिन कोई वर्किंग डेज में देखना जाके। और चेन्नई का ये हाल देख लो भाई, मतलब कि आपको ऑरेंज भी दिखाई नहीं देगा, ऑरेंज भी भाई आपको रिसीव नहीं होगा, ओनली फॉर ब्लैक, मतलब कि एक भी थिएटर में एक भी सीट है गाइस वो खाली नहीं है, टोटली ऑल ओवर सोल्ड आउट पड़ा है। यानी कि चेन्नई के अंदर लगा है भाई यहाँ पे हाउसफुल बोर्ड लगा है भाई, टोटली फुल हो चुका है चेन्नई। ये भाई बीजे की पावर है, मतलब बीजे ने भाई सारे रिकॉर्ड्स हैं गाइस वो तोड़ दिए हैं। यहाँ पे संडे के दिन पहले क्या हुआ भाई, संडे के दिन 633,000 टिकट्स बिके बुक माई शो में। जो गाइस प्रॉपर तरीके से एडवांस कल संडे के दिन ही ओपन हुआ था, तो 633,000 टिकट्स बिके बुक माई शो में, जो कि जेलर के यही 625,000 टिकट्स बिके थे 3 दिनों में। भाई जो जेलर अपना काम जो टिकट सोल्ड आउट करवाई 3 दिनों में, और भाई सेम टिकट सोल्ड आउट करवाए एलियो ने सिर्फ 1 दिनों में भाई, 1 दिन, वो भी उसके मुकाबले थोड़े ज़्यादा थे भाई, उसके 625 जो कि एलियो के 633,000 टिकट्स बिके हैं। बाकी आप क्रेज समझ ही सकते हो कि क्या बाप लेवल का हुआ है, टिकट्स मिलना भाई मुश्किल हो गया, मतलब ये देखो भाई पूरा यार ब्लैक छा गया, ये स्क्रीनशॉट आप सभी के सामने है भाई, टोटली ब्लैक छा गया, कुछ भी मतलब ओरेंज दिखाई नहीं दे रहा यार, सीरियसली गाइस बीजे यार मतलब क्या ही यार। और नेक्स्ट गाइस नहीं हो गया ना, और बेंगलोर में 770 शोज हैं, 770 शोज हैं बेंगलोर के अंदर, जिसमें से 380 शोज है गाइस वो टोटली फुल है, और 58 के आसपास ऑक्यूपेंसी आ रही है एडवांस में। आज 16 तारीख है, कल 17 है भाई, 18 तारीख है, ऑक्यूपेंसी एडवांस में ही अभी दूर तक जाएगी। और शोज कितने भाई, 770 के आसपास, अभी शोज भी थोड़े और इंक्रीज है गाइस वो होंगे। और बेंगलोर का हाल भी भाई ये देख लो, यहाँ पे भी ऑरेंज 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 भाई छाया है, मतलब कि बेंगलोर भी फिल्म फास्ट एंड हाउसफुल की ओर जा रहा है, और यहाँ पे भाई हाउसफुल बोर्ड है गाइस वो लगने वाले हैं, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे बेंगलोर एंड चेन्नई, और ये रहा भाई हैदराबाद। हैदराबाद में अभी भाई देखो, हैदराबाद में तमिल पिक्चर को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बट फिर भी गाइस जो अभी एडवांस ओपन हुआ है तमिल लैंग्वेज में हैदराबाद में, लगभग 15-16 शोज दिख रहे हैं मुझे, जिसमें से भाई 11-12 शोज है वो टोटली फुल भी हो चुके हैं, और 82 के आसपास ऑक्यूपेंसी गाइस वो निकल के सामने आ रही है। और ये रहा भाई हैदराबाद का हाल, मतलब जो शोज मिले हैं थोड़े बहुत गाइस वो फिल्म फास्ट एंड हाउसफुल चल भी रहे हैं। देखो भाई अभी तेलुगु की मूवीज़ आ रही हैं, जैसे कि टाइगर नागेश्वर राव,
और एक पिक्चर और भी आ रही है, तो वहाँ पे गाइस हैदराबाद में शोज लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा भाई। तेलुगु भाई नहीं देती वो भी इजिली शोज, जो हाल तमिल का रहता है पिक्चरों का वही सेम हाल भाई तेलुगु मूवीज़ का भी रहता है। पहले दिन पिक्चर चाहे जैसी मर्जी क्यों ना हो फिल्म फास्ट एंड हाउसफुल जाएगी, और वो जाएगी ही जाएगी चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है। और चेन्नई में ना सभी को बता दिया, यहाँ पे माधुरी की बात कर लेते हैं भाई, 160 शोज है यहाँ पे, और 160 शोज में ये देख लो भाई यहाँ पे भी सीन है, मतलब कि यहाँ पे भाई ओरेंज छा गया यार, कोई प्लेस भाई बीजे ने छोड़ा ही नहीं है भाई, कहीं कोई शोज कहीं भाई ओरेंज छा गया है, ब्लैक छा गया। हाँ भाई बीच बीच में ग्रीन भी है, ऐसा नहीं ग्रीन कहीं भी नहीं है, है भाई बीच बीच में ग्रीन, बट फिर भी यार मैक्सिमम आपको गाइस ऑरेंज एंड यहाँ पे ब्लैक ही दिखाई देगा। और नेक्स्ट कुंभोत्रा यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे कितने शोज़ हैं, लगभग भाई 201 शोज़ हैं, उसमें से भाई 175 शोज़ तो भाई टोटली फुल हो चुकी हैं, और 81 के आसपास ऑक्युपेंसी आ रही है। और ये रहा भाई यहाँ का हालचाल, भाई यहाँ पे तो भाई ऑरेंज नसीब ही नहीं है, टोटली भाई ब्लैक हो गया, ये देखो यहाँ पे भाई एक भी सीट खाली नहीं है, टोटली फुल हो चुके हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शो कैंसिल हो गया भाई सारे के सारे, एक्चुअल में ऐसा है नहीं भाई, यहाँ पे अगर आप टच करोगे तो यहाँ पे लिखा है आएगा कि ऑल टिकट्स हैज बीन सोल्ड है भाई, टोटल टिकट्स है गाइस वो बिक चुके हैं, आपके लिए भाई कोई स्पेस यहाँ पे नहीं है। और डिंडीगुल में 42 यहाँ पे 42 शोज़ हैं जिसमें 35 शो फुल हो चुके हैं, और कोच्चि में लगभग 350 शोज़ हैं जिसमें से भाई 200+ शोज़ है गाइस वो टोटली फुल हो चुके हैं, और 64 के आसपास ऑक्युपेंसी आ रही है, जो कि त्रिवुत्रम में लगभग 350 शोज़ हैं उसमें से 208 शोज़ है गाइस वो फुल हो चुके हैं, और 50 से ज़्यादा ऑक्युपेंसी आ रही है, समझ लो कि भाई साउथ फुल है साउथ फुल है भाई लियो के लिए, मतलब जो शोज मिले हैं भाई टोटली फुल हो चुके हैं। और अभी भी बुक माई शो में लास्ट 60 मिनट में 17,000 से लेकर 18,000 टिकट्स हैं गाइस वो सोल्ड आउट हुए हैं, मतलब इतने ज़्यादा यार क्या ही बताऊं भाई, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। नंबर्स की बात करूं गाइस तो तमिल की अभी तक एडवांस हुआ है लगभग 18 करोड़ के आसपास, तमिल 2D की एडवांस हुआ है 18 करोड़ के आसपास, और टिकट्स बिके हैं 8,66,886 टिकट्स हैं गाइस वो बिक चुके हैं, और 5,000 के आसपास शोज हैं पूरे भारत में ओनली फॉर तमिल 2D में, जो कि तमिल आईमैक्स की बात करूं गाइस तो लगभग 49 लाख की एडवांस हो चुकी है 49 लाख, और 5,185 टिकट्स हैं गाइस वो बिक चुके हैं, जो कि आईमैक्स का एवरेज टिकट्स प्राइस चल रहा है 1,000 के आसपास, ये एवरेज टिकट प्राइस है। अब एक टिकट प्राइस कुछ प्लेसेस में ज़्यादा है और कुछ प्लेसेस में कम भी है, जो कि तेलुगु की एडवांस हुआ है लगभग 93 लाख के आसपास, और 65,000 के आसपास टिकट्स हैं गाइस वो बिक चुके हैं। देखो भाई जो तेलुगु का दब है वो उसका जो एवरेज टिकट प्राइस है गाइस वो काफ़ी ही ज़्यादा कम है, इसलिए टिकट्स काफ़ी ज़्यादा बिक चुके हैं। एंड नेक्स्ट गाइस टोटल यहाँ पे तमिल एंड तेलुगु प्लस तमिल का आईमैक्स वर्जन यानी टोटल मैं ऐड करूँ गाइस तो ये नंबर होता है 19.50 करोड़ का एडवांस हुआ है, लगभग ऑलमोस्ट 20 करोड़ को गाइस टच कर रहा है विद और ब्लॉक सीट्स, भाई 20 करोड़ की एडवांस हो चुका है भाई यहाँ पे एलियो का फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग, ओ भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, जो कि वर्ल्ड वाइड में लगभग 60 करोड़ के आसपास सिर्फ एडवांस कर चुकी है भाई, और कई सारे रिकॉर्ड्स का इस ओवरसीज में भी लियो तोड़ चुकी है, जो कि मैंने कल ही आप सभी को भाई बताया था कि लियो अब तक की भारत की दूसरी या फिर तीसरी हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली पिक्चर बन सकती है ओवरसीज में, इससे पहले 10 मिलियन यूएस डॉलर बाहुली 28.5 मिलियन यूएस डॉलर RRR, एंड उसके बाद गाइस अब आ सकती है यहाँ पे अपने यहाँ लियो, देखते हैं 55 करोड़ ओवरसीज से आता है पहले दिन, यहाँ फिर 60 करोड़ भाई, अभी मैंने देखा कि कई सारे ट्रेड बोल रहे हैं कि 60 करोड़ के आसपास ओपनिंग आ सकती है भाई ओवरसीज से, ओ भाई अगर ऐसा हुआ तो भाई यहाँ ऐसा तो यहाँ पे भारत में कई सारे पिक्चरें भाई अपने पहले दिन डोमेस्टिक में भाई 60 करोड़ के आसपास ओपनिंग नहीं ले पाती है, और यहाँ भाई एलियो ओवरसीज में 60 करोड़ की ओपनिंग लेगी, ओ भाई ये क्या सुन रहे हैं यार देखना दिलचस्प होगा गाइस आने वाले दो दिन किस तरह के रहते हैं, जो अभी इसका एडवांस है गाइस वो चल रहा है। तो फिलहाल गाइस अभी के लिए तो इतना ही है, एंड आई होप कि भाई सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइबिंग क्या कर रहे हो यार जल्दी करो सब्सक्राइब, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, कल सुबह मिलेंगे भाई 8 बजे के बीच में, तब तक के लिए